नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। क्या चुनाव की हार के बाद तेजस्वी की अकल ठिकाने आ गई है? कहते हैं कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए, खासकर सियासत में जहां कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कहा जाता है कि राजनीतिक विरोधियों को पटकनी देने के लिए अगर कोई समझौता भी करना पड़े तो इसमें गुरेज नहीं करना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शायद ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए थे, लेकिन चुनाव में मिली करारी हार के बाद लगता है कि उनकी अकल ठिकाने आ गई। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि उनके हालिया ऐलान से प्रदेश के सियासी गलियारों में कुछ ऐसा ही संदेश जा रहा है। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब हमारे पिता ने बीजेपी और आरएसएस के साथ समझौता नहीं किया, विचार का सौदा नहीं किया, तो उनका खून ही मेरे अंदर है, जीते जी हम भी सौदा नहीं करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें कन्हैया और पप्पू मंजूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी मंजूर नहीं। जनादेश ना मानने वालों के साथ मैं कभी नहीं जा सकता, यानी लोकसभा चुनाव में जिस कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को अपने पास फटकने नहीं देना चाहते थे वो, लेकिन अब उन्हें उसी पप्पू यादव और कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव को कोई परहेज नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से परहेज है। अगर पप्पू यादव और कन्हैया महागठबंधन में आना चाहते हैं तो विचार किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी में नाराजगी है, आरजेडी के लोग नहीं चाहते कि नीतीश महागठबंधन में आए। अब तेजस्वी यादव को भले ही पप्पू यादव और कन्हैया कुमार से कोई परहेज नहीं हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में दोनों नेताओं से उनकी दूरी के चलते महागठबंधन को जो नुकसान होना था वो तो हो ही गया। जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव महागठबंधन की जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस थे। उन्हें लगने लगा था कि इस बार तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का सूपड़ा साफ हो जाएगा। इतना ही नहीं, उनके मन में ये डर बैठ गया था कि अगर आरजेडी कन्हैया को समर्थन देती है और अगर वो जीत जाते हैं तो आने वाले दिनों में यही कन्हैया उनके लिए चुनौती बन जाएगी। लेकिन चुनाव में कन्हैया तो हारे ही, साथ ही आरजेडी का सूपड़ा भी साफ हो गया। ऐसे में अब उन्होंने दोनों को साथ लाने का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। इंडिया न्यूज़ वाले की रिपोर्ट।